अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अवैध भाई जरा रास्ता दीजिएगा, मैं ये मुर्गी को बाहर निकाल दूं। हाँ जी, ले आए इसको बाहर ले आए। निकल गए सारे। अवैध भाई जी इंदर भाई, इसको तो छोड़ दिया, डक्स तो निकाले नहीं। आए, 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 आए। अब क्या करें फिर? मैं इसको साइड पे ले जाता हूँ, आप जल्दी जल्दी से डक्स को छोड़ के बाहर रवाना कर। यार अंसार भाई, कल भी आपने इसी तरह किया है, फिर आपको पता है डक्स जब बाहर आती है मुर्गी फिर कंट्रोल में नहीं आती है। हमारे मुर्गी को फुल कंट्रोल करूंगा, लड़ूंगा आज इससे। अच्छा, पक्की बात है? नहीं आएगी डक्स की तरफ, नहीं आएगी। दरवाजा खोल लेते हैं ताकि डक्स फौरन से बाहर आ जाए। हाँ जी आ जाए। हाँ अंसार भाई काबू है? हाँ भाई मैं रेडी हूँ। हाँ ठीक है। चलो 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 बाहर चलो। अवैध भाई, सूजी और सानों को जो है ना, मैंने रोटी के टुकड़े डाले थे लेकिन अंधेरा था तो मैंने बल्ब लगा दिया था अभी सामने। अच्छा, ये माशाल्लाह ठीक है, लेकिन वो बाहर फिर भी नहीं आए लेकिन अंदर खाते रहे। आज क्या सूरत हाल है? ठीक है ये? हाँ ठीक है आपने? हाँ ठीक है। देखते हैं ये हैं किधर, भागते रहते हैं ना, एक जगह पे तो बैठते नहीं है। हाँ ये बैठी है सूजी, अपनी खुराक खा रही है, और सानू शायद अंदर ही होगा। देखो ये मुर्गी का बच्चा अकेला। ओए ओए ओए, मुर्गी किधर चली गई? मुर्गी इधर तो है नहीं, अंदर है, अंदर है मुर्गी। मुर्गी बाहर छोड़ी है, ये अंदर है। नहीं मुर्गी अंदर चली गई है। अंदर है मुर्गी। हाँ अंदर है, इसको ले चले। हालांकि उसको बाहर निकल गया था, अब ये देखो अकेला घूम रहा है यहीं पे, उसको परवाह ही नहीं है। हाँ लापरवाह हो गई हमारी मुर्गी यार ये तो। बात यह है कि हमारी मुर्गी अंदर बार बार क्यों जा रही है, वजह यह है कि रात ही यहाँ पे काफी चूंटियां तो अब कुछ बची हुई हैं, कुछ यहाँ पे दौड़ रही हैं, तो ये ना उनको बड़े मजे के साथ खाती है, इसलिए जब हम इसको बाहर लेके आते हैं हम थोड़ा सा इधर होते हैं ये दोबारा अंदर चली जाती है, पता नहीं क्यों करती है ऐसा। मेन वजह यही है कि वो चूंटियां ही खाती है। मेन गेट खोल दो भाई। हाँ इस मुर्गी को थोड़ी देर के लिए बाहर ही छोड़ देते हैं। अंसार भाई डर लगा रहता है कोई चीज ले ना जाए बच्चे हमारे, फिर 5-7 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, 5-7 मिनट के लिए। अच्छा चले आ जाए, हम आपका कहना मान लेते हैं, आ जाए गेट खोल लेते हैं, आप ले आए इनको बाहर। भाई तुम लोग किधर जा रहे हो? इधर चलो, इधर चलो। हाँ चलो दोस्तों, रात जो आंधी और तूफान ने हमारे साथ काम किया है ना, ये देखे हमारे बर्ड्स केज का छापर सारा का सारा यहाँ से उखड़ गया है, ये देखे सारा का सारा। यार पता नहीं रात बड़ी, मैं कहता हूँ बड़ी जोर की जो आंधी आई ना, मैंने पहली बार इतनी बड़ी जोर की आंधी देखी है यार। वही वही, इसको हम शाम को इंशाल्लाह मुकम्मल सेट कर देंगे इसको। हाँ फिरोजपुरी कबूतर को अंडा दिया है कि नहीं दिया अभी तक? यार ये अंसार भाई फिरोजपुरी और लकी कबूतर साथ खड़े हैं। अच्छा हाँ उधर कहाँ है? उधर उधर अकेला लकी कबूतर खड़ा है यार। हाँ अकेला खड़ा है ये लकी कबूतर यहाँ पे, तो वो लड़ नहीं रहे। नहीं लड़ रहे। इधर देखते हैं, इधर हमारा एक रेड बॉल और दूसरा नहीं बल्कि दो रेड बॉल और एक फिरोजी कबूतर यहाँ पे खड़ा है। हाँ और इधर हमारे फिरारी कबूतर ही हैं और कोई नहीं है इनके साथ। अवैध भाई जी इधर भाई, वो हमारे रेड बॉल जो थे जिसका अंडा ले आए थे हम लोग। हाँ हाँ, उसने दूसरा अंडा नहीं दिया क्या? आज तो चौथा देना यार। यार मैंने वैसे चेक भी नहीं किया, चेक करते हैं उसको। भी बैठा है, मैं इसको उठा लेता हूँ। दो अंडे हैं यार। हाँ अंसार भाई दो अंडे दिए इसने। हाँ हाँ, एक तो हम वहीं से ले आए थे। हाँ और तीसरा एक हमसे टूट गया था। हाँ, तीसरे दिन इसने दोबारा जो है ना एक अंडा देना था। हाँ वो ही दे दिया। 4 दिन हो गए साफ जाहिर है उसने दे दिया होगा, अंडों पे बैठी होगी। दूसरी बात ये कि इन खुटियों की वजह से हमें पता भी नहीं चलता, हम गौर नहीं करते। हाँ जाहिर। और दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूं, जो हमारे फिरारी कबूतर है ना, उन्होंने उसने बच्चे को आजाद कर दिया है। अच्छा। हाँ और सुनने में ये आता है कि 20वें दिन जो है ना ये आखिरी दाना पानी उसको खिला के ये अंडा दे देते हैं। अच्छा। फिरारी कबूतर आपने देखे? नहीं वो भी नहीं देखा। अंडा देखा? नहीं देखा। देखना चाहिए था यार। हाँ। मैंने भी नहीं देखा सर। उसको भी देखते हैं यार, फिरारी कबूतर शायद हो सकता है उसने भी अंडे दिए हुए हो। यार ये वैसे
बैठी हुई है ये भी यहाँ पे। मैं इसको उठाता हूँ जरा। आ जाओ आप बाहर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाहर, आ जाओ आ जाओ। अंदर भाई इसने भी दो अंडे दिए हुए हैं। उदा कर यार। हाँ फिरारी ने, फिरारी ने भी, मैं दिखाता हूँ आपको उठा के। एक ये रहा, दूसरा ये रहा। देखिए अंदर भाई, ये फिरारी के। हाँ फिरारी के है ना, हड्डियों का बड़ा फायदा हुआ है। हाँ, माशाल्लाह हमने गौर ही नहीं किया। अब ये तो अंडों पे बैठी होगी। अंडों पे बैठी है ये, अभी मैंने इसको जबरदस्ती उठाया है। नहीं जमीन पे कैसे बैठी होगी, जगह तो नहीं बनाई। नहीं हमने ये डाला है ना भूसा थोड़ा सा। अच्छा उसके ऊपर बैठी। हाँ उसके ऊपर बैठी है। और उसके भी दो अंडे हैं। हाँ उसके भी दो अंडे। अब टोटल हमारे पास चार अंडे हो गए। मतलब 20 दिन के बाद चार बच्चे। चार बच्चे और इंशाल्लाह। चलो मैं कहता हूँ इसकी कोई जगह बना लेते हैं जिसके ऊपर इसको बिठाएं। किस तरह की जगह बनाएं, जहाँ पे ये कबूतरी जो है ना अंडों के ऊपर बैठ सके। नहीं नहीं ये हमने भूसा जो डाला है थोड़ा ज्यादा डाल लेंगे ना, इस पे बैठ जाएगी। इससे अच्छी जगह तो हो नहीं सकती भूसे के ऊपर। अच्छा चलो ठीक। हाँ, हो गया ठीक। हाँ, है ठीक है। ये आवाज किस चीज की आ रही है? उए, सोनू ये क्या कर रहे हो तुम? ये देखें दोस्तों, खड्डा निकाल लिया इसने, सारी मट्टी निकाल ली इसने। भागो यहाँ से तुम, भागो 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 भागो। मैं आ रहा हूँ, देखता हूँ, पकड़ता हूँ आज। देखो ये फिर दूसरी साइड से चला गया। देखिए वहां से, मैं वहां से फिर चाहता हूँ, फिर देखिएगा, फिर ये यहाँ से आ जाएगा। उए, भाग्या। यार दोस्तों एक बात बतानी है आपको यार, कितना दिन हो गया हमारा ट्रेटो नहीं बोल रहा। हम कैमरे के पीछे इतनी मेहनत करते हैं, इसके ऊपर इतनी मेहनत करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। यार मेहरबानी करो आप, इसको एक्सचेंज कर लें, तब्दील कर लें। नहीं यार आप तो इसको पेयर बना दिया शायद ये बच्चे दें। चलो आप प्यारा हो गया आप। हाँ जाहिर है। आप इसको निकालो, कोशिश करो, बोलेगा इंशाल्लाह। हाँ, मैं निकालता हूँ। आ जाएं सर भाई, चलें। उधर चला गया ये। ये क्या है? क्या ये इसने उठाया था? चूजा उठाया था क्या? ये किस चीज का बच्चा है? ये यार है तो किसी परिंदे का बच्चा है। ये नहीं है बिल्कुल, किस चीज का होगा पता नहीं। देखिए यार ये ये मेरे ख्याल में अंदर भी रात जोर की आंधी थी ना। हाँ। इसकी वजह से किसी मैना या किसी चिड़ी का बच्चा ऊपर से गिरा है। ऊपर कोई घोंसला तो नहीं है? नहीं वहाँ है ना, बाहर है, इधर तो नहीं है हमारे यहाँ। और तरफ तो शायद है। हाँ यहाँ से देखिए, ओए ओए कितनी मासूम सा छोटा सा है यार। अभी जब मुर्गी हमारी आई ना तो इसके बच्चे ही इसको खा रहे थे। आप थोड़ा सा टोरेटो को देखो, मैं जो है ना इसको दफना देता हूँ। हाँ दफना दें यार। हमारे सोनू ने आपको पता है आज उल्टा काम वैसे कर लिया है, तो आज हमने अपने टोरेटो को इस जगह पे छोड़ दिया है, क्योंकि आज यहाँ पे मट्टी इसने बहुत ज्यादा निकाली थी सोनू ने, तो उस वजह से मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया है। और ये देखे मजे के साथ अपनी मट्टी के साथ खेल रहा है ये। अभी ये मुझे देख के बैठ गया है, लेकिन ये देखे हाँ ये देखे माशाल्लाह। उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।